नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनी। 26 एकादशी व्रत कथा सीरीज में आज हम 22वीं एकादशी पापा कुशा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को एक बार जरूर देखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक इस एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही मनुष्य की देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब मैं इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ला की पापा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सदगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, यह थी पापा कुशा एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का श्रवण कर सकें और अपने पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर सकें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 23वीं एकादशी रमा एकादशी व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।